Hello everyone, welcome back to my channel. This is Vinita Bishnoi. So today we are starting with the very first chapter. Actually, ये 12th standard का first chapter है, 6th unit का, which is related to the reproduction in organisms. जिसमें हम reproduction in sexual plants भी cover करेंगे, then reproduction in human, and then the reproductive health. तो ये सारे 4 chapters हैं, जो ये इस unit में cover होते हैं. सो जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म, उसमें इन जनरल जितने भी टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में भी टाइप्स, सेक्सुअल में भी डिफरेंट फेजेस होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन वेरी फर्स्ट पेजेस ऑफ दिस चैप्टर देयर इट इज मेंशन दैट कि लाइफ स्पैन होती है हर ऑर्गेनिज्म की. लाइफ स्पैन का मतलब होता है ये ड्यूरेशन है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का, दैट इज द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और जो लाइफ स्पैन होता है वो कभी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता. जैसे अगर एग्जांपल देखें तो जो पैरट होता है उसका लाइफ स्पैन 140 ईयर्स है, वेयर एज जो क्रो है उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 15 ईयर्स है. दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट देयर इज वेरिएशन इन देयर लाइफ स्पैन. सो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो लाइफ स्पैन होता है वो स्पेसिफिक ट्रेट होता है हर ऑर्गेनिज्म का. सो दिस लाइफ स्पैन, एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में अलग अलग फेजेस आते हैं. द फेजेस आर बर्थ, जुवेनाइल फेज जब वो इमेच्योर होते हैं, reproductive phase, they are capable of reproducing, then senescence, जिसको aging कहते हैं, बुढ़ापा हिंदी में बोलते हैं, and the natural death. तो किसी भी organism की lifespan में different phases आते हैं. So let's see what I have written on the board. Every organism live for a certain duration of life. Lifespan specific trait of each organism. Period between the birth and the natural death. तो अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो यू विल नॉट कॉल कि नहीं ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्पैन है वो इतना है. नो, नेचुरल डेथ कि मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग कितने टाइम तक लिविंग रह सकते हैं, दैट इज व्हाट कॉल द नेचुरल डेथ एंड द लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सिमिलर साइज वाले ऑर्गेनिज्म का भी लाइफ स्पैन अलग होता है. जैसे एलिफेंट का 75 ईयर्स है, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स है. Now, इन सब में से जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो पूरा ये यूनिट है रिप्रोडक्शन पे, सो वॉट एग्जैक्टली इज दिस रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड रिप्रोडक्शन मीन्स अ प्रोसेस इन विच गिविंग बर्थ टू यंग वंस लाइक देम. तो पेरेंट जो है वो यंग वन को बर्थ देते हैं जो पेरेंट्स को ही रिजेंबल करते हैं. So it is characteristic feature of all living organism and giving rise to young ones similar like the parents. Ab reproduction ka significance kya hai? Why reproduction is important? Why is this so important phenomena? जिसपे पूरा बोलते हैं universal truth है ये कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, continuity नहीं रहेगी species की. So significance is continuity of species. अगर कोई स्पीशीज है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो अपने जैसे सेम ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उस स्पीशीज का जो एग्जिस्टेंस है अर्थ पे वो फिनिश हो जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीशीज ऑन द अर्थ. फॉर दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन आई हैव मेंशन्ड योर रिप्लेसमेंट. ऑब्वियसली किसी भी स्पीशीज में अलग फेजेस होते हैं. प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज. सो जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है वो रिप्रोडक्टिव में आएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, एंड जो रिप्रोडक्टिव फेज में है दे विल गो टू द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज. एजिंग आएगा एंड द नेचुरल डेथ विल हैपन. सो जो मरे हैं उनकी जगह पे कोई आना चाहिए ताकि ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहे. वरना क्या होगा, अगर इसी तरीके से डेथ होती रहे और न्यू स्पीशीज विल नॉट टेक्स प्लेस ऑफ द पीपल हु आर ऑलरेडी डेड और द ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, तो कोई भी स्पीशीज जो है ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं.
दूसरा वेरिएशन. सो रिप्रोडक्शन की वजह से देयर विल बी वेरिएशन, कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा हर जनरेशन में या थोड़े टाइम के बाद जनरेशन में वेरिएशन आएगा. और वेरिएशन की वजह से ही एग्जिस्टेंस होता है, एडेप्टेबिलिटी होती है. तो जितना ज्यादा वेरिएशन आएगा उतना ज्यादा इवॉल्व होंगे एंड दोज विल बी दैट मच फिट टू अडैप्ट इन द चेंजिंग एनवायरमेंट. तो ये ट्रूथ है कि जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं, न्यू जनरेशन होती है, वो ज्यादा अडैप्टिव होती है एज कम्पेयर टू देयर प्रीवियस जनरेशन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देयर सब टाइप्स. तो मेजर दो टाइप्स है रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल का मतलब ही होता है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ नहीं है. इट इज वन पेरेंट इन्वॉल्व एंड हियर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. मीन्स हम कहते हैं यहाँ पे दो सेक्सेस इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है. मियोसिस नहीं होता, यहाँ पे मियोसिस के थ्रू गैमीट फॉर्मेशन होता है. सो जब भी मियोसिस होगा उसके बाद गैमीट फॉर्मेशन होगा, ठीक है. सो यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पे मियोसिस के बाद गैमीट फॉर्मेशन होगा. डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट है एंड देन डिप्लॉइड एम्ब्रियो विल फॉर्म. ओके, सो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे जायगोट फॉर्मेशन होगा. देन नो वेरिएबिलिटी. व्हाई? बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर क्लोन. एंड व्हाट इज क्लोन? क्लोन आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, कंप्लीटली कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के. सो देयर विल बी नो वेरिएशन. एंड क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के गैमीट इन्वॉल्व है, स्पर्म एंड ओवा इन्वॉल्व है, तब डिप्लॉइड जायगोट बनता है. सो यू विल फाइंड वेरिएशन इन द जायगोट ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड यू नो वेरी वेल कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनसे ज्यादा कैपेबल, उनसे ज्यादा फिट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स. क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये फटाफट होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, बट ये बहुत क्विक प्रोसेस है. एंड दिस वन इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि गैमीट का बनना, गैमीट का ट्रांसफर होना, गैमीट का फ्यूजन होना, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर, दैट इज व्हाई इट्स अ स्लो प्रोसेस. और यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है एंड ऐसे कोई भी इवेंट नहीं होते, दैट इज व्हाई इट इज अ फास्ट प्रोसेस. गैमीट्स में और मे नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे गैमीट्स इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. Whereas in this case, gametes are involved. So these are the basic differences between sexual and asexual reproduction. अब हम क्या करेंगे next video में? हम sexual reproduction के जितने भी types दिए हुए हैं वो सब discuss करेंगे. One more thing I want to tell you here. आपकी textbook में diagrams दिए हुए हैं. Second page, third page, fourth page, हर page पे diagram. But it is not important कि उस diagrams related content में mention किया है. So just remember one thing, read the diagram carefully, understand the diagram carefully, उनकी labelings, उनके नीचे जो description थोड़ा बहुत जो दिया हुआ है diagram के नीचे, that read it properly, because boards exams में भी उससे related पूछे जा सकते हैं and आपके higher जो competitive exams है उसमें भी पूछे जाते हैं. So just be careful, read each and every line, don't leave any diagram, don't leave any labeling. So this was all about today's video. See you in my next video. Till then, keep learning and be safe.